जो एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है सालों बाद उसे देखने के लिए जो कनेक्ट होता है तो वो एक फीलिंग आई थी उन सारे के सारे सीन्स तो वो बहुत ही टचिंग एपिसोड्स थे मेरे लिए और मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा छाप छोड़ के गए मैं इमोशनल इंसान हूँ और इसीलिए शायद मैं इस किरदार को अच्छे से निभा पाई मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कर पाई और लोगों ने इतना प्यार दिया सुमेद एक बहुत ही सुलझा हुआ बहुत ही प्यारा लड़का है सुमेद के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे वो बहुत बड़ा प्रैंगस्टर है शो तो चलिए खत्म हो ही रहा है लेकिन मुझे इन लोगों को छोड़ के जाने का ज़्यादा दुख हो रहा है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरी जिंदगी मुझे याद रहेगा राधाकृष्ण की खूबसूरत जो जर्नी है जो यात्रा है वो साढ़े चार साल तक चली जिसको आप लोगों ने दिल में इतनी जगह दी और जो माँ यशोदा का किरदार जिन्होंने निभाया है बहुत ही खूबसूरती के साथ वो अदिति जी हमारे साथ हैं अदिति पहला दिन याद है आपको इसी जगह पर आप लोग शूट कर रहे थे कुछ यादें आपकी ताज़ा हुई एक्चुअली um, ये जो शो है राधा कृष्ण ये हमारे प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत स्पेशल है और मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने जय कन्हैया लाल के किया है जिसमें मैं बाल कृष्ण की छोटे से बच्चे की मम्मी यशोदा का रोल प्ले कर रही थी और उसी बीच में आ, मुझे मौका मिला राधा कृष्ण में एक दो महीने एक ट्रैक करने का जब आ, ये सब लोग राधा कृष्ण बलराम ये सब लोग वापस आते हैं द्वारका से आ, अपनी माँ से मिलने के लिए तो एट दैट टाइम आई हैड दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी जब मैं इन लोग इन लोगों के साथ यू you नो know, मैंने इन लोगों के साथ काम किया मैं इन सबको जानती पहले से ही थी लेकिन काम करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है साथ में तो मुझे याद है कि इस सेट पर नहीं मैं जहाँ पर आ, आ, शूट करती थी जय कन्हया लाल की शूट करती थी उसका नाम है वृंदावन स्टूडियोज तो वहाँ पर मैं शूट किया करती थी उस शो इस शो के लिए भी और वहाँ पर हमारे घर का आंगन बनाया हुआ था एंड द वे दे डेंटर्ड जो पूरा एक इमोशनल uh, कनेक्ट होता है ना yeah. जो एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है सालों बाद उसे देखने के लिए जो कनेक्ट होता है तो वो एक फीलिंग आई थी उन सारे के सारे सीन्स में एंड आई डोंट रिमेंबर कि uh, एक एक करके सब लोग आए थे बलराम पहली बार आया था फिर राधा आई थी और फिर कृष्ण आया था और वो उन दोनों को देखने के बाद जो एक वेट होता है ना एक माँ का कि उसका बच्चा भी सामने दिख जाए दैट ऑल वेट द वेटिंग पीरियड वो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी राइटिंग में हमारी एपिसोड्स में दिखाया गया था तो वो बहुत ही टचिंग एपिसोड्स थे मेरे लिए और मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा छाप छोड़ के गए Uh, दीदी आप जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोल रहा था आपसे जब बात हो रही थी आप खुद इतनी फिट इतनी कम उम्र की हैं लेकिन जो एक किरदार है उसकी ग्रेविटी उसके वेटेज को आपने इस तरीके से पर्दे पर उकेरा है कि वो बहुत बाकमाल कमाल लोगों के दिल में वो एक अलग छाप छोड़ गया है ये कैसे किया आपने थैंक यू सो मच आशीष ये एक ब्लेसिंग है शायद भगवान की तरफ से मुझे ब्लेसिंग है कि मैं इस किरदार को बहुत ही ज़्यादा यू you नो know, उलझा हुआ कैरेक्टर है बहुत ही गाढ़ा कैरेक्टर है जो कि आई थिंक हाँ आप कम उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं निभा सकते लेकिन मुझे मैं जब एक्चुअली बच्ची थी तब एक बच्चों की माँ प्ले करने का एक मौका मिला था और उसके बाद अब जाकर जब मैं इतने साल इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ तो मुझे फिर से वही मौका मिला आई थिंक प्रोडक्शन ने और हमारी जो चैनल है स्टार भारत और आई थिंक द होल इंडस्ट्री एक्सेप्टेड मी इन दिस कैरेक्टर सो मच कि मुझे ये फिर से मौका मिला करने का और मुझे लगता है कि आई थिंक ये इनर फीलिंग है आ, मैं इमोशनल इंसान हूँ और इसीलिए शायद मैं इस किरदार को अच्छे से निभा पाई और एक और चीज़ है जब मैं छोटी थी तो मैंने ना री देखे थे जो पिछले जय श्री कृष्णा के और मुझे उस टाइम पर भी वो माँ और बच्चे की केमिस्ट्री बहुत प्यारी लगती थी और इतनी छोटी सोची छोटे से बच्चा है चार पाँच साल की बच्ची है वो टीवी देख रही है और उसको वो कहानियाँ बड़ी अच्छी लग रही हैं जो बच्चा है और उसकी माँ है उसके बीच में पता नहीं मैंने कहीं इम्बाइब कर लिया कि ये क्या था एक कॉलिंग थी एक तरह से कि मुझे ये किरदार मिला और मैं इसे अच्छे तरीके से निभा पाई आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कर पाई और लोगों ने इतना प्यार दिया इट्स इट्स अ ब्लेसिंग जो सुमेध के साथ आपकी केमिस्ट्री है वो इतनी कमाल निकल के आई ये रियल और रील दोनों के बारे में मैं पूछूंगा कि वो केमिस्ट्री का जो एक उसके राज हैं वो क्या है आई थिंक इट्स द प्योरिटी ऑफ हार्ट मुझे यही लगता है क्योंकि सुमहेद जब जब तक मैं उसको जानती नहीं थी मुझे पता था कि ही इज प्लेइंग इज पार्ट वेरी वेल एक कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है उसको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं जब आप किसी को मिलते हैं और उनके साथ रोज मिलना शुरू करते हैं रोज काम करते हैं तब आपको पता चलता है उनकी उनकी पर्सनैलिटी के फेसेट्स और सुमेद एक बहुत ही सुलझा हुआ बहुत ही प्यारा लड़का है एंड uh, मेरे साथ ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बबली हूँ मुझे uh, मुझे भी प्रैंग्स हंसना गाना uh, खुश रहना और लोगों को खुश uh, देखना बहुत अच्छा लगता है तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई हम दोनों की केमिस्ट्री इतना इतनी अच्छी तरह से उभर कर आई एंड गिव एंड टेक होता है हमेशा एक्टर्स के बीच में जो कि कभी बनता है कभी नहीं बनता है तो दिस इज़ लाइक या इट्स एन एडवांटेज कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बने उन, उन मस्ती भरे पलों को उन प्रैंक्स को अब मिस करने वाले हो बहुत <laughs> बहुत मिस करने वाली हूँ सुमेद so, के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे वो बहुत बड़ा प्रैक्स्टर है वो यू नो छोटी छोटी बातें छोटी छोटी नू निकालेगा आपके बारे में अच्छा आपने ये गड़बड़ कर दिया अच्छा ये क्या हो गया अच्छा इस तरह की बातें निकालेगा और पूरे सेट पर एक्टर्स तो चलो एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट तो हमेशा रहता ही है लेकिन हमारा हमारे जो यूनिट है हमारा स्टाफ है उनके साथ एक अलग ही इन्वॉलमेंट रहता है हम कभी कभी अपनी हेयर ड्रेसेस को छेड़ देते हैं हम अपने मेकअप दादा लोगों से ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारे दोस्त हैं तो वो जो चीज़ें हैं छोटी खट्टी मीठी यादें और हमारे प्रोडक्शन हाउस आई शुड टेल यू दिस दैट दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस मैं इतने सारे लोगों के साथ जो काम कर चुकी हूँ वेयर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन इट आर सो गुड सो हम्बल और आपको उनके साथ लगातार काम करने का उनके साथ उनकी फैमिलीज़ को जानने का उन्हें जानने का मन करेगा सो दैट इज बाय शो तो चलिए खत्म हो ही रहा है लेकिन मुझे इन लोगों को छोड़ के जाने का ज्यादा दुख हो रहा है और राधा कृष्ण का जिस तरीके से सिर्फ सुमेद और मल्लिका ने जो uh, किरदार निभाए हैं वो जैसे कि मैं यशोदा के बारे में बोलूँ या उन सब के मतलब हर एक किरदार इतना खूबसूरती से गढ़ा गया और वो लोगों के दिलों में ऐसा छाप छोड़ गया शायद ही वो कोई और मिटा पाए आ, दोनों की केमिस्ट्री को आप कैसे देखते हो और जिस तरह से उसका लोगों में इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी उसको कैसे देखते हो ये फिनमिनल है जो भी उनकी केमिस्ट्री और जिस तरीके से उसे रिसीव किया गया है वो आई थिंक टेलीविजन हिस्ट्री में जब हम You know, यू नो के यानी कि जो बालाजी के ड्रामाज होते हैं या कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जो बहुत ही रोमांटिक होते हैं और अलग ही छाप छोड़ के जाते हैं बहुत कम होते हैं ऐसे शोज़ मैं बचपन से ही बहुत टी वी देखती आई हूँ और मुझे मैं शायद उंगलियों पर गिन पाऊँगी ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इतने ज़्यादा फेमस होंगे कि लोग अभी भी पाल, पागल हैं कि शो बंद ना हो और चलता रहे चलता रहे और मैं इस शो में जब तक नहीं आई थी तब भी मुझे पता था कि इन दोनों की केमिस्ट्री और इन दोनों का यू नो पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है नाउ uh, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्यों है दे देड कम फॉर दे फर्स्ट शो आई थिंक सुमेध तो पहले काम कर चुका है लेकिन ये मलिका का पहला शो है एंड देड कम टू दीज कैरेक्टर्स विद एन इनोसेंस जो कि आप जब काम शुरू करते हो और आप सीखने लग जाते हो तो बहुत मिस्टेक्स भी होती हैं गलतियां भी होती हैं और आपको सिखाने वाले आसपास बहुत सारे लोग होते हैं अगर वो लोग बहुत अच्छे होते हैं न तो यू नो एवरी थिंग नाइसली अगेन आई गिव इट टू बोथ ऑफ देम दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमारा प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है तो. और आप तो गवा रही होंगी दोनों के बीच में नोक झोंक वो दोस्ती होते वो हुए <laughs> नहीं मैं बहुत टाइम uh, बाद आई हूँ तो इनिशियली तो मैंने नहीं देखा है बट देन या देर इज अ लॉट ऑफ कैमरेडिया एंड देर इज लॉट ऑफ फ्रेंडशिप इन बिटवीन ऑल ऑफ देम Uh, सिर्फ uh, सुमेध मलिका नहीं अब जो बलराम प्ले करते हैं उनका uh, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है जितने भी उनके साथ काम करते हैं आसपास के लोग हैं सब में बहुत ज़्यादा प्यार है कोई ऐसा पार्ट जो आपके दिल में हमेशा रहेगा कोई ऐसा पार्ट इस शो का आई थिंक okay. uh, मैं कृष्ण का ही पार्ट बोलना चाहूँगी बट क्योंकि ये राधा कृष्ण है तो मुझे लगता है राधा कृष्ण दोनों के ही पार्ट्स मेरे दिल में हमेशा रहेंगे यशोदा तो मेरे दिल के करीब हमेशा से ही है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरी जिंदगी मुझे याद रहेगा लेकिन इस शो में जिन दो कैरेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है वो राधा कृष्ण दोनों ही हैं कितने इमोशनल हैं क्योंकि आज लास्ट दिन है आ... मुझे मालूम है वो शब्दों में बयान ही हो सकता लेकिन अगर आपके फैंस को कुछ कहना है आपको जो इतना ज्यादा आपको प्यार करते हैं क्या कहेंगे आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग देम मैं जब भी अपने फैंस से इंटरेक्ट करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि इट्स इट्स अ ब्लेसिंग दैट दे आर देयर फॉर आस देव गिवन आर सो मच लव और ये बात तो uh, कहने वाली है ही नहीं दे दे नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ देम एंड आई वॉन्ट टू टेल दिस अगेन टू ऑल ऑफ यू टू ऑल द फैंस टू ऑल द पीपल हु लव दिस शो सो मच इतना ज़्यादा आपने हमारे कैरेक्टर्स को हमारी शो को इस स्टोरी लाइन को प्यार दिया है और आपका सपोर्ट देख के वी थिंक हम सालों साल इस शो को चलाते रहें बट लास्ट इट्स नॉट पॉसिबल बट जितना भी आपने प्यार दिया है जितना इसे सराहा है थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट और जल्द आपको नए अवतार में देखेंगे डेफिनेटली आई वुड लव टू स्टार्ट डूइंग अनदर प्रोजेक्ट सून और जैसे ही होगा यू नो यू पीपल विल बी द फर्स्ट टू नो अबाउट इट थैंक यू सो मच अदिति फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम और जितना आप बे इंतहा आपको प्यार मिला है उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा दिन ब दिन वो बढ़ता जाए थैंक यूं थैंक यू सो मच